नमस्ते टू ऑल। विवाह कहने को तो हम सिर्फ जो सिंपली हम जानते हैं, विवाह हिंदू धर्म का विवाह मान ले, एक साथ फिर हो गए विवाह है, फिर मुस्लिम में निकाह, इस तरह से हम मान लेते हैं। लेकिन जो वैदिक काल में कहेंगे वो विवाह कहेंगे आर्ट। एक सिंपल सा टॉपिक है लेकिन घूम फिर कर कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन कहीं ना किसी पैराग्राफ में या किसी ना किसी तरह से आ भी जाता है, ज़्यादातर आने लगा है, अब जो है नया ट्रेंड में आ रहा है। तो जो बेसिक्स वाले एग्जाम है उसमें तो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो जो वैदिक काल में जो कहे गए पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, पहले था पुरोहित के साथ कन्या का विवाह अगर किया जाता था तो उसे दैव विवाह कहा जाता था। दैव विवाह का मतलब है किसी पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना। फिर आता माता पिता द्वारा वर को आमंत्रित करते थे, वो इन्वाइट करते थे लड़के को और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कर देते थे। सिंपल तरह से तो इसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। पुराने टाइम में ऋषि मुनि इस तरह से होते थे कि विवाह हो जाते थे, ऋषि मुनि उसको बहुत अच्छा मानते थे कि किसी ऋषि से किसी ब्राह्मण से अपनी कन्या का विवाह करना। फिर कन्या के बदले गाय या बैल लेना, अपनी लड़की की मतलब शादी सब पे की जाती थी कि हमें गाय या बैल दो तो हम अपनी लड़की की शादी आपके लड़के से करेंगे, तो उसे आर्ष विवाह कहा गया है। आर्ष विवाह। नेक्स्ट है कन्या के वर द्वारा वचनबद्धता पश्चात, मतलब दोनों में पहले प्रोमिसेस किए जाते थे, वचन दिलवाया जाता है कि तुम सारी ज़िंदगी खुश रह सकते हो, सारी कन्या जैसे सात फेरों में सात वचन दिए जाते हैं, इस तरह का इसको समझा जाता है कि पहले वचन लेते थे दोनों एक दूसरे, फिर उनके विवाह होता था, इसे प्रजापति विवाह कहा जाता था। जो सात फेरे वगैरह आते हैं उनमें पहले वचन ही लिए जाते हैं, पहले हाँ मतलब कंडीशंस मानते एक दूसरे की, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लड़का भी एक्सेप्ट करता है और लड़की भी। फिर प्रेम विवाह तो नॉर्मल है, आजकल फेमस है गंधर्व विवाह, इसे गंधर्व विवाह कहा गया। फिर आता है ये जो पांच तरह के विवाह थे, इसमें दैव विवाह या ब्रह्म विवाह सबसे उत्कृष्ट या सबसे अच्छे विवाह माने जाते थे। फिर उसके बाद आर्ष विवाह, क्योंकि कन्या के बदले में गाय बैल लेते थे फिर शादी करते तो अच्छा थोड़ा नहीं माना जाता था, पर वचनबद्धता वाला जो है सही भी माना जाता था और कहीं ना कहीं गलत भी माना जाता था इसको। फिर गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह भी कुछ लोग समझते थे, वो तो आज के टाइम में भी कुछ लोग प्रेम विवाह को मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, पर ये जो देव विवाह ब्रह्म विवाह इसमें टॉप पे थे, उच्च कोटि के विवाह माने जाते थे। लेकिन अब आ गया है धन के बदले में कन्या का विवाह करना। तो जो धन के बदले में कन्या का विवाह करता था कि धन दो पहले पैसे दो हमें, मतलब उल्टा दहेज लेते थे, उसे असुर विवाह कहा गया था। कि अपनी लड़की के बदले में पैसे ले रहे हैं उसे असुर माना जाता था, असुर विवाह कहा जाता। फिर कन्या का अपहरण करके विवाह, बहुत से जो आजकल के बहुत से मतलब नाम तो नहीं लिया जाएगा पर बहुत सी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ये रिवाज है कि पहले लड़की या लड़की को मतलब अपहरण किया जाता है उसको, तब उसकी शादी जबरदस्ती की जाती है, तब ये विवाह, ये तब भी था कन्या का विवाह करके अपहरण करके उसका विवाह कर देते थे अपने लड़के से, तो इसे राक्षस विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह इसको कहा जाता था। फिर आता अचेत कन्या से बलपूर्वक फिजिकल रिलेशन बनाते थे, सारे संबंध बना रहे थे कि अचेत कन्या है, सो रही है, बेहोश है, फिजिकल रिलेशन बनाते थे, तो फिर उनका विवाह हो जाता था या फिर किसी भी कंडीशन में वो ऐसे ही रख लेते थे उसको, उसे पिशाच विवाह, सबसे निम्न कोटि का विवाह कहा गया है। पिशाच विवाह कहा गया है। तो ये तो हमारे वैदिक काल में जो आठ तरह के विवाह थे, बहुत ही सिंपल सरल टॉपिक, बहुत ही सिंपल, इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं और आसानी से याद भी हो जाएंगे, क्योंकि धन के बदले में कन्या का विवाह तो असुरों का ही काम हो सकता है और कन्या का अपहरण करना कोई राक्षस, कहते हैं ना आज के टाइम में कि राक्षस है या पिशाच, तो वही हो गया ना जो ज़्यादातर फिजिकल रिलेशन बना रहा है, रेप करा ही करा, फिर उसे अपना रहा है नहीं अपना रहा, तो समझ में आ जाता है। सीधा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक पर है इम्पोर्टेंट। थैंक्स अ लॉट।